से इस वक्त की बड़ी खबर, फुल प्रूफ व्यवस्था के बीच हुई मतगणना। लोकसभा बहराइच एवं केसरगंज लोकसभा क्षेत्र की कल होने वाली मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज प्रेक्षकों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना स्थल का जायजा लिया। मतगणना के लिए कुल 14 टेबल बनाए गए, जहां 700 से अधिक अधिकारी मतगणना कर्मी मतगणना को संपन्न कराएंगे। डीएम मोनिका रानी ने बताया कि मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुबह 8 बजे से मतगणना का कार्य शुरू हो जाएगा और पूरी निष्पक्षता के साथ मतगणना करवाई जाएगी। बहराइच ब्यूरो से अब्दुल कादिर की खास रिपोर्ट। उसके लिए जिला प्रशासन द्वारा क्या इंतजाम किए गए? इसमें हमारे जनपद बहराइच में एक लोकसभा क्षेत्र 56 बहराइच है और 57 केसरगंज है, उसकी दो विधानसभाएं पड़ती हैं, एक पयापुर और केसरगंज, 5 बहराइच के अंतर्गत, 2 केसरगंज के अंतर्गत। तो जो 7 विधानसभाओं में काउंटिंग होनी है उसमें पर्याप्त टेबल की व्यवस्था कर ली गई है। टेंडिंग और बैरिकेडिंग का जो कार्य है वो हो चुका है। पूरे एरिया को CCTV से कवर किया गया है। इसके अलावा जो कार्मिक हैं उनकी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। तेजी से गर्मी पड़ रही है, इसी के दृष्टिगत पंखे कूलर इत्यादि की व्यवस्था भी पर्याप्त संख्या में की गई है। पीने के पानी का, अस्थायी शौचालयों का और मोबाइल टॉयलेट की भी व्यवस्था की गई है और सभी कार्मिकों को ID कार्ड इत्यादि उपलब्ध कराए गए हैं। 3 टायर में सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी, 100 मीटर के दायरे पे, और काउंटिंग जो सेंटर है उसके गेट पर और काउंटिंग हॉल के गेट पर जो है पर्याप्त मैजिस्ट्रेट्स की तैनाती की गई है और सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया है। तो जो भी पूरी मतगणना प्रक्रिया है उसे बहुत ही स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से, पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया जाएगा।